तो इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 10th संस्कृत का वायरल हो रहे प्रश्नों का उत्तर। बता दें कि एच सेट है हमारे पास, अब बैटरी भी कम हो चुका है। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए, काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ से मिलेगा, प्रश्न हम डिक्लियर बताते चलेंगे, मतलब डीप में जाके बताएंगे, हर एक प्रश्न को विस्तार से बताते चलेंगे, जिससे आपको बस एक वीडियो आप देखिए और सारे के सारे प्रश्न जाके बना के आइए परीक्षा में, कहीं से आपको छूटने वाला नहीं है। अगर आप लोग को विश्वास है तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं अगर आप पूरे क्लास को करते हैं तो अच्छा अंक आप परीक्षा में ला सकते हैं। चलिए सारे प्रश्न को देखते हैं, खासकर संस्कृत के लिए। तो भाई आप लोगों को बोल रहे पूरी तरह से जोड़ कर आना है, संस्कृत में बेहतर अंक दिला दूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया जा रहा है, किस पद में स्वर संधि नहीं है। दोस्तों संधि नहीं है, संधि जो तीन प्रकार का होते हैं प्रकार ही पूछता है, याद रखिएगा। तो कसी चत्र में जो है इसमें स्वर संधि नहीं है। स्वर संधि होता है जिसका उच्चारण में किसी अन्य संधि का हम लोग मतलब वैल्यू नहीं लेते हैं, उसका महत्व नहीं होता, उसका हम लोग सपोर्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, ये वर्ण की तरह हो जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। दोस्तों किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, वो समास आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वंद समास का याद रखिएगा आप लोग, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, मतलब लगातार लगातार आ जाए, चावल दाल ये सब आ जाए, राम लक्ष्मण, कृष्ण अर्जुन, तो ये सब आपका द्वंद होगा। और दीर्घ समास का उदाहरण आप याद रखिए, दोनों में से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है इस दोनों में से, ठीक है। दीर्घ होता है संख्यावाची, जैसे पंचवटी, त्रिभुज, त्रिफला, पंचानंद, पंचवटी, ये सब चीज हो गया आपका दीर्घ समास के अंतर्गत, ठीक है। उपनगरम का विग्रह कर देखिए, उपनगरम का ये अव्ययी भाव समास है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, और इसका जो है नगर से समीपम हो जाएगा समास विग्रह। समास को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं, कभी कभी ये भी पूछता है समास को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, और संधि को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों सेटिंग के लिए आप इंपोर्टेंट है, डिक्लियर से बता रहे हैं, प्रश्न पढ़ते जाइए। उदित सूर्य सह तस्नाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इससे। ऑप्शन बी। पांचवा छठा अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, याद रखिएगा तृतीय विभक्ति। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कर्णभार रूपक किसकी रचना है, देखिए कर्णभार जो है ये देखिए कर्णभार ये कर्णस्य दानवीरता पाठ से है, तो याद रखिएगा भास के द्वारा रचित है, ठीक है। देखिए महाभारत जो है लड़ाई कितने दिनों का हुआ था, 18 दिन का हुआ था, ठीक है, जिसमें जीत पांडवों का हुआ था, याद रखिएगा पांडवों का जीत हुआ था, ये बात ही आपको याद रखना है। तीन प्रश्न यहाँ से आपको याद होना चाहिए। आठ कर्णस्य दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं। दोस्तों ब्राह्मण वेश में शल्य नहीं बल्कि शक्र प्रवेश करते हैं, जो कि एक इंद्र होते हैं, ठीक है, इंद्र भगवान होते हैं ये ब्राह्मण के वेश में। शल्य कौन थे, तो शल्य जो ये सारथी थे, सारथी का मतलब होता है जो रथ चलाते, कर्ण का ये रथ चलाते थे, यही इन्होंने ही पूछा न दातव्यम न दातव्यम, जब कर्ण दे रहे थे कंगन खोल करके कवच कुंडल, तब जाके इन्हें शल्य ने ही रोका था, पूछेगा कौन रोका था, तो शल्य जो सारथी थे। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देने की बात हो रही है, तो गाय देने की, गौ, वहां पर हो सकता है ऑप्शन आपका गौ मिलेगा, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, गाय को ही गौ बोलते हैं। कर्ण से दानवीरता पाठ में न दातव्यम न दातव्यम, देखिए अभी ये प्रश्न पूछ लिया हमने, बताए थे किसकी उक्ति है, तो कर्ण जो भी बच्चे मारते हैं वो गलत है, शल्य की कृति है, शल्य ने बोला था, ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सतत प्रियवादी लोग होते, देखिए हमेशा सतत बोलने, सदा प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारह नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अनर्थ का नाश किससे होता है। दोस्तों अनर्थ का जो नाश है वो आचार विचार से हो जाता है, ठीक है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सीमंतोलयन संस्कार का प्रयोजन क्या, यानी ये सीमंतोलयन संस्कार कब होता है, तो दोस्तों संस्कार टोटल जो होता है 16 संस्कार होता है, ये सीमंतोलयन संस्कार जो होता है ये कब होता है, किस अवस्था में होता है, इसको आपको बताना है। देखिए गर्भ के संस्कार का आरोपण के समय, ठीक है, सीमंतोन्नयन होता है, ठीक है, गर्भ ये मतलब सिंपल गर्भ की रक्षा होती है, इसे ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कार, भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संस्कार है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 16 संस्कार होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो प्रिय छात्रों केशांत संस्कार जो होता है ये कहाँ होता है, तो गुरु गृह में होता है, ठीक है, गुरु के यहाँ होता है। चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं। दोस्तों प्रश्न भी 16 और आंसर भी 16 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं,
अच्छा, संस्कार प्रकार पूछा है कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, न कि 6 प्रकार होते हैं, और कुल संस्कारों की संख्या 16 होता है। ठीक है, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, उसके बाद 6, उसके बाद फिर 5 होते हैं, और लास्ट में भी होते हैं संस्कार। ठीक है, अंतस्थ संस्कार होता है, तो 3 जन्म से पहले 3 संस्कार, फिर 6 संस्कार, फिर 1 संस्कार होता है, और फिर लास्ट में होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न में थोड़ा डाउट लग रहा है क्या जी, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को डाउट है तो 6 यहाँ पे लगा हुआ है, कमेंट कीजिए, तो अगर यहाँ तक देखे हैं वीडियो को तो हम आपको कमेंट में आंसर दे देंगे किसका सही हुआ। स्वर्ग पवार्ग अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वर्ग सा पावन देश, वह कौन सा देश है जहाँ जी लोग रहते हैं, तो वो है अपना भारत देश। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारी मातृभूमि कैसा है दोस्तों, हमारी मातृभूमि जो है वत्सला है, निर्मला है और विशाल है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है दोस्तों, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर रचना एक हुआ था, वो रचना है सत्याग्रहिता। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कंपन राय के समय क्या था, 12वीं सदी। ठीक है, ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। व्याघ्र पथिक में दान धार्मिक चरतु भावान किसका कथन है, दान धार्मिक चरतु भावान, ये जो किसका, ये बाघ बोला था कि हमको किसी के द्वारा बताया गया, मैं उपदेशित हूं। ठीक है, वैसी प्रथमों सूत्रों से डीप किस शब्द में हुआ है, डीप किस शब्द में हुआ है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, हमें भी पता नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए, मतलब आपको कमेंट कर देंगे, मृदु तल से कौन सा शब्द बनेगा, मृदुता बन जाएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अनियर प्रत्यय किस पद में है दोस्तों, अनियर प्रत्यय जो है ये किस में है, तो चिंतनियम में है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल रूप से सही है, कहीं से गलत नहीं होने वाला है। 25 है, मनुष्यत्व में कौन सा तरित प्रत्यय, देखिए 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, भागिएगा नहीं, यहाँ पे त्वम प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, तो भागिएगा नहीं, क्लास पूरा देखिए ध्यान से। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में दोस्तों, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो वो है आपका व्याघ्र पथिक में। ठीक है, इसमें लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है दोस्तों, हितोपदेश एक बाल ग्रंथ है जिसमें बच्चे के लिए कथा उसमें वर्णित होता है। ठीक है, हितोपदेश में जैसे व्याघ्र पथिक जो है वो भी उसी का है। चलिए अगला, तो दोस्तों आपका 28 नंबर सवाल है, किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होगा, देखिए तीनों लिंगों में एक समान होना चाहिए, ऐसा एक शब्द बताना, वो शब्द अपना हो जाएगा युष्मद्। ऑप्शन ए बिल्कुल रूप से आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है दोस्तों, उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द से पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग जो है किसी भी शब्द से क्या होता है, ये पहले लगता है, इसलिए आपका पहले लगता है, तो अनु उपसर्ग किस में है, तो अनु जो है आपका अनुवाद में है, अनुवाद इसमें, सॉरी नहीं है तो अनन्य में नहीं है आपका। ठीक है, अनन्य में अन हो जाएगा यहाँ पर सीधे सी, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में अगर आप 100 में 100 ले आते हैं तो आपका काफी मैनेज होगा, जितना भी खराब एग्जाम गया सब मैनेज हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका वायरल हो चुका है, जिसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है, और गूगल पे आकर के आपको सर्च कर लेना है माधव NCERT क्लासेस, सभी प्रश्न यहाँ से आपको वायरल वाला मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको आ जाना है। अभी हमको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं, तो मॉडल पेपर के अंदर जाएंगे और यहाँ से आपको संस्कृत क्वेश्चन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, सारे प्रश्न को देख लेना है, और पीडीएफ भी आपको डाउनलोड यहाँ से देखने को मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से क्लिक करना है, पीडीएफ डाउनलोड आपके फोन में हो जाएगा, आप पीडीएफ को पढ़ के जाइए और एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाइए, इस तरह से आप देख सकते हैं पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड ना, कि ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 30 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो प्यारे छात्रों हितोपदेश का जो है नारायण पंडित है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर। 31 नंबर है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है दोस्तों, प्रथम कल्पा विजयांका है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल रूप से सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, 32 नंबर है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 40, कितना, तो 40 आपको याद रखना है। ठीक है, एकदम पूछेगा एग्जाम में, चिंता नहीं कीजिए, कहीं से घबराना नहीं है, और बिल्कुल रूप से विश्वास रखिए। ठीक है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, रवि जोड़ इंद्र, एकदम तरह से पूछेगा क्वेश्चन, कहीं से घबराइए नहीं और पढ़ के जाइए, बिल्कुल रूप से पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अन्यायम में कौन सा समास है,
प्रश्न आपका है कि अन्यायम में कौन सा समास है। अन्यायम में समास कौन है, तो ये नग्न समास है। जितना भी अ आ जाएगा, असंभव आ जाएगा, अन्याय हो जाएगा, अमुक हो जाएगा, ये सब के जो है नग्न समास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, निगेटिविटी आ जाता है इसमें। आरक्षी लुंठ कात आरक्षी लुंठ कात तिरते किस सूत्र का उदाहरण है, ये हो जाएगा अख्यातोपयोगी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम जो रूप से आप सबको याद रखना है, प्रश्न को एकदम छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका उभयता, अव्यव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा विभक्ति होती है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कौन सा विभक्ति होती है। यहाँ पे होती है द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। चलिए सही से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिएगा आप लोग। तो आप लोग का जवाब क्या आया, अत्याधिकम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अत्याधिकम या अध्यक्ष या अध्यापक रहेगा, सब में उपसर्ग अति हो जाएगा आपका। ठीक है, अति अध्यक्ष में होता है अधि उपसर्ग। ठीक है, यहाँ पे अत्याधिक अत्याधिकम है तो अति हो जाएगा। ठीक है, वही ध का अगर यहाँ पे आ जाता तो धी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाता। चलिए 38 है, अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। ऑप्शन आपका जो सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला है अलस कथा के लेखक कौन है, दोस्तों अलस कथा लेखक कौन है, अलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति, याद रखिएगा, ये लोकप्रिय कवि थे वहां के। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर है, तर्क्यते यदि गृह अग्नि अग्निर्लग्नो अपि अस्ति किस आलसी की उक्ति है, तो द्वितीय आलसी ने कहा था लगता है घर में आग लग गया है, ये दूसरा आलसी बोला था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक किस संधि में स्वर वर्ण विकार परिवर्तन होता है, तो व्यंजन में होता है। ठीक है, व्यंजन में होता है ये बात। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है दोस्तों, य और प्लस अ, इसको ऐसे भी करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा यद्यपि में। ठीक है, ये आपका डी हो जाता है। विसर्ग का उदाहरण कौन है, निरोगा, निरोगा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे 50 प्रश्न इसमें बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस क्लास में। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, दोस्तों संस्कृत साहित्य का विग्रह हो जाएगा संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्यम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका, वो आपका है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है दोस्तों, तो विश्व शांति में वर्णित है। आप लोग को हमने पढ़ाए थे, बड़ा प्यार से पढ़ाए थे, आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। किससे असहिष्णुता का जन्म होती है, तो द्वेष से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, परपीडन से क्या होता है दोस्तों, परपीडन से क्या होता है, परपीडन से आत्मनाश होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। किससे शांति होता है दोस्तों, परोपकारी करने से शांति होता है। आप किसी को भलाई करेंगे तो आपको शांति मिलेगा। एका प्लस एकम से कौन सा होगा, तो एका एकम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अ कर कई वाला हो जाएगा, यहाँ पर अ कर कई वाला। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वही का अर्थ क्या होगा दोस्तों, वही का अर्थ देखिए पढ़िए ध्यान से। ठीक, वही का अर्थ हो जाएगा आग। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों, तो वह गुरुद्वारा कहलाता है जो पटना में। ठीक है, ठीक है, ठीक। पटना नगर की पालिका देवी कौन है दोस्तों, तो पटन देवी है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी। चलिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ दोस्तों, तो मुगल काल में ही प्रसिद्ध हुए थे। और मध्यकाल, यहाँ पे मध्यकाल, मुगल काल और मध्यकाल, यहाँ पे देखिए दो बात है, तो मुगल काल से ही प्रसिद्ध हुआ था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दधि शब्द का रूप किसके समान चलेगा, दधि शब्द का रूप किसके समान, तो अक्षी के साथ। तो दोस्तों देखिए, हम यहीं तक प्रश्न आज आपको बताएंगे। ठीक है, और आगे हम सब्जेक्टिव आपको कैसे डाउनलोड करना है वो तरीका आपको बता चुके हैं, वेबसाइट पर जाइए और अपलोड है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।